नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन के बारे में। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर उन लोगों के लिए जो गाड़ियों और इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है। इस वीडियो में हम इस इंजन के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसके मेन कंपोनेंट्स, इसके यूजेस, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और इसकी देखभाल कैसे की जाती है। तो तैयार हो जाइए इस नॉलेज जर्नी पर मेरे साथ चलने के लिए और जानिए सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन की सारी बारीकियां। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इंजन के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो उसे स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन भी अलग नहीं है। इसमें सबसे पहले छह सिलेंडर्स होते हैं जो एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। ये इंजन के नाम इनलाइन का कारण है। प्रत्येक सिलेंडर में एक पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे गति करता है। इसके अलावा इस इंजन में एक क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, वाल्व्स, फ्यूल इंजेक्टर्स और एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी होता है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की गति को रोटेटिंग मोशन में बदलता है, जबकि कनेक्टिंग रॉड्स पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ते हैं। वाल्व्स फ्यूल और हवा के मिक्सचर को सिलेंडर में एंटर करने और जली हुई गैसों को बाहर निकालने का काम करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर्स सिलेंडर में डीजल का छिड़काव करते हैं और एग्जॉस्ट सिस्टम जली हुई गैसों को इंजन से बाहर निकालता है। यह सब मिलकर सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन को पावर प्रदान करते हैं। अब दोस्तों, यह जानना भी जरूरी है कि सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन का यूज कहां कहां होता है। इसकी पावर और एफिशिएंसी के कारण यह इंजन कई अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स में पाया जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं एसयूवीज, ट्रक्स और बसेस। इन व्हीकल्स को ज्यादा पावर और टॉर्क की आवश्यकता होती है, जो सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन आसानी से प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यह इंजन कुछ कार्स में भी पाया जाता है, खासकर जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइंड है। इसके अलावा यह इंजन बिजली उत्पादन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी यूज किया जाता है, जहां कंटिन्यूअस और रिलायबल पावर की आवश्यकता होती है। चैप्टर 3। अब बात करते हैं सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन के एडवांटेजेस की। इस इंजन के कई एडवांटेजेस हैं जो इसे अदर इंजन से बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले, यह इंजन बहुत ज्यादा टॉर्क पैदा करता है। टॉर्क वह फोर्स है जो किसी चीज को घुमाता है, और यही कारण है कि यह इंजन भारी व्हीकल्स और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सूटेबल है। दूसरा, यह इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। डीजल इंजन्स पेट्रोल इंजन्स की तुलना में कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं, जिससे आपको पेट्रोल पंप पर कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा, यह इंजन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। डीजल इंजन्स कठिन परिस्थितियों में भी लंबे समय तक चल सकते हैं और उन्हें ज्यादा रिपेयर की जरूरत नहीं होती है। चौथा, यह इंजन एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। चैप्टर 4। दोस्तों, जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले, यह इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा महंगा होता है। दूसरा, यह इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा नॉइज और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। तीसरा, यह इंजन ठंडे मौसम में स्टार्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। चौथा, डीजल इंजन से निकलने वाला धुआं पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के साथ इन डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए नए नए मेथड्स डिस्कवर किए जा रहे हैं। चैप्टर 5। अंत में दोस्तों, यह जानना भी जरूरी है कि सिक्स सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन की देखभाल कैसे की जाती है। इस इंजन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, इंजन ऑयल को रेगुलरली बदलना जरूरी है। इंजन ऑयल इंजन के पार्ट्स को स्मूथ बनाए रखता है और उन्हें घिसने से बचाता है। दूसरा, फ्यूल फिल्टर को भी रेगुलरली बदलना जरूरी है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल से गंदगी और कचरे को रिमूव करता है, जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा, एयर फिल्टर को भी रेगुलरली क्लीन करना या बदलना जरूरी है। एयर फिल्टर हवा से गंदगी और कचरे को रिमूव करता है, जो इंजन में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा, इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाना जरूरी है। इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचने के लिए कूलेंट लेवल की रेगुलरली चेक करें और जरूरत पड़ने पर उसे बदलें। उतरो तो दोस्तों,
यह था 6 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।